देखो अप्रैल का महीना होने जा रहा है खत्म और आ रहा है मई, और मई के इस महीने में आ रही है काफी बड़ी बड़ी फिल्में जो हॉलीवुड की होंगी, बॉलीवुड की होंगी, साउथ, हिंदी डब्ड होने वाली है। अब कौन सी फिल्म आ रही है कब, उस सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। जिन्हें जानने के लिए आपको हर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द साबरमती रिपोर्ट। द साबरमती रिपोर्ट एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है रंजन चंदेल ने, जिसके लीड रोल में आपको विक्रांत मेसी, राशि खन्ना जैसे कलाकार नजर आने वाले। और ये फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस होने वाली है, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाएगी 2002 के गोधरा कांड की, जहां पर कार सेवकों को मारा गया, कैसे उनकी हत्या छुपाई गई या ये था कांड, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के जरिए, जिस फिल्म को आप देख पाओगे जल्द यानी कि 3 मई 2024 को सिनेमा घरों में। यार पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप, जो कि एक साइफा एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है वेस बॉल ने, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं फरिया अलान, लॉर्डिया कलाम और भी काफी सारे कलाकार। और फिल्म भाई एडवेंचर और साइफाई से भरी हुई है, तो सारे बंदर ही नजर आएंगे यानी कि एप्स ही, जहां पर आपको देखने को मिलेगा अब दुनिया पर राज कर रहे ये एप्स इंसानों के साथ कैसे करेंगे भाई युद्ध, यानी कि फिर से दिखाया जाएगा एक और युद्ध। और ये एप्स फ्रेंचाइजी की एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है, जहां पर आपको काफी बेहतरीन VFX के साथ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 10 मई को। जो फिल्म आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली श्रीकांत। श्रीकांत एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया तुषार हीरा नंदानी ने, जिसके लीड रोल में आपको राजकुमार राव, ज्योतिका जैसे कलाकार नजर आएंगे, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी श्रीकांत की, जो कि भाई आंखों से तो थे अंधे लेकिन भाई बंदे ने बना डाला एक ऐसा बिजनेस जिससे वो लोगों को भीख नहीं अपने जैसे लोगों को व्यापार कराते थे, काम देते थे, और एक अलग ही उन्होंने सेट कर दिया गोल अंधे लोगों के लिए ही नहीं जो भी हैंडीकैप लोग थे। जी हाँ दोस्तों, तो उन्हीं की फीस में आपको देखने को मिलेगी यानी कि श्रीकांत भोला जी की, जिसका रोल प्ले करते हुए आपको राजकुमार राव नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म को 10 मई को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। सर माय नेम इज श्रीकांत भोला। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली करतम भुक्तम। करतम भुक्तम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है सोहम पैसान है, जिसके लीड रोल में आपको सीरियस तलपड़े विजय राज जैसे कलाकार नजर आएंगे, जहां पर आपको भरपूर थ्रिल दिखाई देने वाला है और भाई अपने जीवन का भविष्य जाने ये सब इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा, जिस फिल्म को 17 मई को रिलीज किया जाएगा पैन इंडिया यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म सिनेमा घरों में। यार बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भैया जी। भैया जी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अपूर सिंह करकी, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे मनोज बाजपाई और भी काफी सारे कलाकार जैसे कि विपिन शर्मा भी नजर आने वाले, जिसमें आपको मनोज बाजपाई का एक्शन दिखाया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिनके एक्शन के लिए मैं तो हूँ काफी ज्यादा बेकरार। आपको बता दो इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो 24 मई को रिलीज किया जाना है सिनेमा घरों के अंदर। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है छोटा भीम एंड द क्रश ऑफ द धयाम, जो कि एक साइफा एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया राजीव चिलाकान है, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे यागा बासिन जो कि इसमें भीम का करेक्टर निभा रहे हैं, अनुपम खेर और भी काफी सारे कलाकार नजर आएंगे, जहां पर आपको बच्चों के फेवरेट छोटा भीम और उसके फौज की जो रियल लाइफ फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है, जिस फिल्म को 24 मई को रिलीज किया जाना है सिनेमा घरों में और ये पैन इंडिया रिलीज होगी यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है फिरोसा। फिरोसा ए मेड मैन सागा, जो कि एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे जॉर्ज मिलर ही, जिसके लीड रोल में आपको आनिया टेलर, जॉय, क्रिस हेम्सवर्थ जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं, जहां पर आपको पता है इसका फर्स्ट पार्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, अब सेकंड पार्ट भी आ रहा है, जहां पर आनिया जिसे अपने घर जाना है और रास्ता है काफी ज्यादा खतरनाक, खूंखार, और आप तो जानते हो कितना डेंजर ये रास्ता भरा होगा, तो इस डेंजर रास्ते से वो कैसे गुजर के जाएंगी, लोगों की वार्ड लगाएंगी और अपने घर पहुंच पाएंगी या नहीं, वो सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को 24 मई को रिलीज किया जाएगा इंडिया के अंदर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, मेरा बचपन, मेरी माँ,
मुझे वापस चाहिए। तो बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मिस्टर एंड मिसेस माही, जो कि स्पोर्ट बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है सरन शर्मा ने, जिसके लीड रोल में आपको राजकुमार राव, जानवी कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाएगी धोनी और उनकी वाइफ की। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं का रोल प्ले करते हुए आपको राजकुमार राव और जानवी कपूर नजर आएंगे। उनकी लाइफ के क्या थे, किससे और कैसी थी उनकी कहानी, ये सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 31 मई 2024 को ही दोस्तों, जो कि सिनेमा घरों में आएगी यार। और ये बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच से निकली गेंद सीधे स्टैंड पे। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बेबी जॉन। बेबी जॉन एक कॉप एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है कालीस ने, जिसके लीड रोल में आपको वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, साथ में वामिका भी नजर आने वाली है। और ये फिल्म ऑफिशियली रिमेक होने वाला है तमिल फिल्म थैरी का, जिसके लीड रोल में विजय थैलापति सर आपको नजर आए थे। तो आपको बता दूं यहां पर आपको वरुण धवन एज ए पुलिस वाले के रोल में नजर आने वाले, जहां पर एक्शन होगा भरपूर। आपको बता दूं इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो 31 मई को रिलीज किया जाना है सिनेमा घरों में यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है थंगालान। थंगालान हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है पार रंजीत ने, जिसके लीड रोल में आपको विक्रम और साथ में मालविका मोहन पार्थिवी जैसे कलाकार नजर आने वाले, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी आदिवासी लाइफ की, यानी कि आदिवासियों ने अपने हक के लिए कैसे लड़ाई करी और कैसे वो जीते थे, उनकी जीविका इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें विक्रम का करेक्टर काफी ज्यादा फाड़ू लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है अब मई के अंदर ही रिलीज किया जाना है, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी सिनेमा घरों में, जिसकी रिलीज डेट भी जल्द अनाउंस होने वाली है दोस्तों। तो यही थी वो 10 फिल्में जो आ रही हैं मई के इस महीने में से। तो इनमें से कौन सी फिल्म का आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।